हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप, जैसा अभी थंबनेल पे देख चुके हो, आज हम लोग बात करेंगे कि यार 1 से 2 लाख मंथली रिटेनर फी में एक मीडिया बाइंग या तो एक एडवर्टाइजमेंट क्लाइंट को यार सिक्योर करने का तरीका क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या हिडन टेक्निक हो सकता है कि आप कस्टमर से बात करो, कुछ ऐसा चीज उसे प्रेजेंट करो और कस्टमर आपको कॉल करके प्रोजेक्ट दे और वो भी मिनिमम 2 लाख मंथली रिटेनर फी। नो मैटर अगर आप एक गूगल एडवर्टाइजमेंट प्रोफेशनल हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी चला रहे हो या फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, मेटा एडवर्टाइजमेंट के अराउंड हो, राइट? ट्रस्ट मी, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अपनी पर्सनल टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जो कि पर्सनली मुझे काफी सालों से हेल्प कर रहा है हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ डील करने के लिए और उनको उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए, जहां पे मुझे कस्टमर को कन्विंस करने की जरूरत नहीं, कस्टमर चेज मी एंड स्टार्ट गिविंग मी द वर्क। सो विदाउट एनी फर्दर डू चीजों को समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ। हाल फिलहाल पे मैं दुबई में था, राइट? दुबई में अभी जा रहा हूँ, बहुत फ्रिक्वेंटली जा रहा हूँ क्योंकि वहां पे हमने अपने कंपनी को फॉर्म किया है, राइट? दुबई के मार्केट पे हमारा ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है। तो मैं क्लाइंट के साथ बैठा हुआ था, ऑन टेबल डिस्कशन था, राइट? एक कैजुअल कॉफी मीटिंग था जो कि लग्जरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लग्जरी ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, राइट? यार जब उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई ना, हमेशा याद रखो एक हाई टिकट क्लाइंट था, मिनिमम 2 से 3 लाख उनका मंथली रिटेनर फी देने का कैपेसिटी था। अरे बजट अलग, एजेंसी फीस देने का उनका कैपेसिटी या तो उनका उतना बजट था। जब उनसे मेरी बातें हुई ना, तो वो एक्चुअली को फाउंडर तो नहीं थे, फाउंडर भी नहीं थे, लेकिन सीनियर मैनेजमेंट लेवल प्रोफेशनल था जो कि कंप्लीटली टेक का बंदा था। जब उनसे मुझे बातें स्टार्ट हुई ना, तो मुझे समझ में आया कि यार ये बंदा तो ट्रैवल एज अ पैशन, ये तो ट्रैवल करना इसको बहुत ही पसंद है, राइट? क्योंकि मुझे भी ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो आई शेयर सम ट्रैवल एनेक्डोट्स फ्रॉम माय लाइफ, मैंने कुछ अपने पास्ट के ट्रैवल एनेक्डोट्स उनके साथ शेयर किया एंड द कॉन्वर्सेशन वेंट अप टू 40-45 मिनट्स। गोइंग फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड, 2 से 3 हफ्ते के अंदर उनके ऑफिस से हमारे ऑफिस पे कॉल आता है एंड दे वॉन्टेड मी टू मीट एंड वी सिक्योर द प्रोजेक्ट एट अ 2.5 लाख रुपीज मंथली रिटेनर फीस। तो दोस्तों, अगर आप ऑपरेशनल बंदे हो और अपना फ्रीलांसिंग या तो एजेंसी बिल्ड करना चाहते हो ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट टैक्टिक्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट टूल्स, कभी कभी पर्सनल कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर के कॉन्फिडेंस और उनके साथ पर्सनल लेवल पे एंगेज होने के लिए, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डू अभी आते हैं पीसी में और समझते हैं कि मैं ऐसे क्या स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ सिक्योर हाई टिकट क्लाइंट। तो जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, जब भी मैं एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड की अगर बात करूं, तो 2 प्रकार के आपको क्लाइंट मिलेंगे। देयर विल बी 2 टाइप ऑफ क्लाइंट, राइट? द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लाइंट जो होंगे, हु नो द बजट एंड दे वांट यू टू रिवील द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या तो एक्सपेक्टेड सेल्स रेवेन्यू। उनके पास बजट होगा, राइट? उनको पता है उनको कितना स्पेंड करना, अपफ्रंट बोलेंगे हमारा इतना बजट अभी स्पेंड कर रहे हैं और अब इतने में हम स्केल करना चाहते हैं, राइट? आप बताओ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या लाके दोगे। सेकेंड टाइप ऑफ क्लाइंट विल बी, वो अपने दे डोंट वॉन्ट टू रिवील द बजट बट नो द सेल्स रेवेन्यू दे वॉन्ट टू अचीव। ऐसे क्लाइंट जो अपने सेल्स को स्केल करना चाहते हैं, वो कहेंगे कि हम अभी 40 लाख का अभी हम सेल्स कर रहे हैं, हमें 6 महीने के अंदर हमें 1 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू जनरेट करना, आप बताओ कि हमें क्या इनपुट देना है, क्या बजट देना है। दैट मीन्स इन द फर्स्ट केस उन्हें बजट पता है, आरओआई का ज्ञान आपसे लेना चाहते हैं। सेकेंड केस में उनका आरओआई फोरकास्ट या तो एक्सपेक्टेशन उनको क्लियर है, बजट का ज्ञान लेना चाहते हैं। इन दोनों के दोनों केस में आपको कुछ प्रूवन टेक्नोलॉजी यूज करने हैं, यानी कि टूल्स यूज करने हैं उनके ट्रस्ट को जीतने के लिए, राइट? सो देखते हैं इन बोथ ऑफ द केसेस बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्त, ऐसा कस्टमर जिसे बजट तो पता है लेकिन आरओआई का ज्ञान लेना चाहते हैं, अगर आरओआई के अराउंड उसको आपने ट्रस्ट और कुछ ऐसा प्रूवन कॉन्फिडेंस दिया, तो आपके साथ वो पक्का काम करेगा। सो इस तरह के क्लाइंट से आपको 3 इंपॉर्टेंट सवाल आपको उनसे पूछना है कि उनका बजट एक्चुअली में है कितना, राइट? उनका सेल्स कन्वर्जन रेट कितना है, और अगर वो 100 लीड अगर आप उनको दे रहे हो, तो उस पे से उनके सेल्स टीम कितने कन्वर्जन रेट के बेस पे क्लोजिंग कर रही है, एंड थर्ड एक सेल होने पर उनका कितना जनरेट हो रहा है, राइट? ये 3 क्वेश्चंस का आंसर क्लाइंट से आपको लेना है डिस्कवरी कॉल में। नाउ राइट नाउ इस तरह के क्लाइंट के लिए मैं यूज करूंगा आरओआई कैलकुलेटर। तो आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट मैं दे रहा हूँ, आरओआई कैलकुलेटर टूल। आप ये यूज कर सकते हो अपने फ्रीलांसिंग और अपने एजेंसी बिजनेस के लिए। आपको ये टूल को एक्सेस करने के लिए आपको आना होगा admi.co साइट पे। admi.co साइट पे आने के बाद यू हैव टू काइंड ऑफ साइलेंटली आपको साइट के फुटर एरिया पे आपको यू हैव टू स्क्रोल डाउन, आपको स्क्रोल डाउन करना है। जैसे ही आप फुटर एरिया पे स्क्रोल करोगे,
एग्जैक्टली टू द बॉटम्स यहाँ पे आपको टूल्स का सेक्शन मिलेगा, राइट? टूल्स के सेक्शन पे यू हैव टू कम टू द सर्च एड आरओआई कैलकुलेटर। तो आते हैं सर्च एड आरओआई कैलकुलेटर, राइट? देखते हैं कैसे वर्क करता है। राइट नाउ कस्टमर आपको बजट बताएगा। लेट्स से कस्टमर सेज कि यू नो हिज बजट इज 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, तो मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा और ये इनपुट मुझे कस्टमर देगा। कॉस्ट पर क्लिक आपको उबर सजेस्ट से या गूगल कीवर्ड प्लानर से एक टेंटेटिव आइडिया होगा। लेट्स से द कॉस्ट पर क्लिक इज 50 रुपीज, तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके आपको देगा। लेट्स से लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट, टेक्निकली हम जितने भी क्लाइंट के साथ काम करते हैं द लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट इज समवेयर अराउंड 10% 10% टू 12% के अंदर रहता है, एंड समटाइम्स इट गोज अप टू 20% ऑल्सो। लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट यानी का अगर 100 लोग लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं तो कितने बंदे उसमें से लीड में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं प्लेन एंड सिंपल 4% दे रहा हूँ बेयर मिनिमम सेफ साइड में रहने के लिए। तो सिस्टम विल कैलकुलेट कि 800 लीड्स विल गेट जनरेटेड। अभी सेल्स कन्वर्जन रेट भी मैंने कहा कि कस्टमर आपको ये डेटा देगा, राइट? कस्टमर विल गिव यू द डेटा। तो लेट्स से कस्टमर सेज की द सेल्स कन्वर्जन रेट इज 5%, 5% के रेट पे सेल्स कन्वर्जन रेट के पे उनका जो सेल्स टीम है वो काम कर रही है। राइट नाउ टोटल सेल्स वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। लेट्स से कस्टमर सेज की मेरा एक सेल पे मैं लेट्स से 50 लाख रुपए जनरेट करता हूँ, 50 लाख रुपीज आई जनरेट फ्रॉम वन सिंगल सेल कस्टमर सेल्स। तो इमिडिएटली सिस्टम विल कैलकुलेट कि उनका टोटल कितना ग्रॉस रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, 20 करोड़ रेवेन्यू दे कैन एक्सपेक्ट। अभी उनका रिटर्न ऑन एड स्पेंड कैलकुलेट हो रहा है दोस्त। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट मार्जिन, अगर कस्टमर आपको प्रॉफिट मार्जिन रिवील करे तो आप कह सकते हो सर अगर आप मेरे को प्रॉफिट मार्जिन बताओगे तो मैं आपका नेट रेवेन्यू भी कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। कस्टमर बोलेगा कि मेरा 25% यू नो हमारा मार्जिन बचता है सारे सेल में। तो देख सकते हो दोस्त, हियर आई कैन वेरी क्लियरली से कि सर आप 5 करोड़ का रेवेन्यू आज रिटर्न ऑन एड स्पेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू स्पेंड 10 लाख रुपीज एज एन बजट। तो देखो एक टेंटेटिव फोरकास्ट हम कस्टमर को सेल स्टेज पे दे सकते हैं कस्टमर के ट्रस्ट को जीतने के लिए, राइट? तो ये टूल आप यूज कर सकते हो। लेट अस क्विकली गो टू द नेक्स्ट सिनेरियो। नेक्स्ट सिनेरियो हमारा क्या है दोस्त? नेक्स्ट सिनेरियो हमारा रहेगा जो कि बजट रिवील नहीं करना चाहते हैं लेकिन उनको पता है कि उनको अपने रेवेन्यू को कितना प्रतिशत उनको स्केल करना है, राइट? आ जाओ, कस्टमर बोल रहा है कि 40 करोड़ का रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं, हमें 1 करोड़ तक स्केल करना है कमिंग 6 महीने के अंदर, आप बताओ व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट। तो इन लोगों को आपको 3 सवाल पूछने हैं कि व्हाट इज देयर आरओआई एक्सपेक्टेशन, वो 6 महीने में क्या रेवेन्यू एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, राइट? ये जानना बहुत जरूरी है, राइट? एंड व्हाट इज द सेल्स कन्वर्जन रेट, उनको पूछो कि आपका सेल्स कन्वर्जन रेट क्या है, एंड व्हाट इज पर सेल्स वॉल्यूम, जो कि इंपॉर्टेंट होता ही है, राइट? जो कि पिछले वाले यूज केस में भी ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है। तो राइट नाउ आई विल बी यूजिंग अनदर टूल जिसे हम कहेंगे दोस्त बजट कैलकुलेटर। तो बजट कैलकुलेटर को आपको यूज करने के लिए यू हैव टू क्विकली कम टू द टूल एरिया ऑफ admi.co। आप नोट कर लो, admi.co पे आना है, ठीक है? आप अपने फेलो मार्केटर्स को ये वेबसाइट शेयर भी कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स इसके अंदर है। प्लस यू नो ये जो टूल्स है हमारे एकेडमी के लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम का, जितने भी टूल्स जितने भी टेम्पलेट्स हम सिखाते हैं उसके अंदर का एक ग्लिम्स है, राइट? तो आप देख सकते हो बहुत सारे टूल्स होते हैं, एजेंसी आउटसोर्स कैलकुलेटर टूल्स भी होते हैं जो कि इमीडिएट बेसिस पे कस्टमर को कंपेल करेगा कि आपको धंधा दे दे ऑन टेबल इटसेल्फ, राइट? तो ये है एड बजट कैलकुलेटर, जो कि कस्टमर को पता है कि उसे कितना रेवेन्यू चाहिए बट बजट के अराउंड वो कंफ्यूज्ड है, राइट? तो बजट के अराउंड कॉन्फिडेंस में लेना है। तो आ जाते हैं राइट नाउ, देख सकते हो ये कैसे वर्क करता है। तो कस्टमर कह रहा है कि यार हमको इतना का हमें मंथली लेट से हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, दैट कम्स टू अराउंड लेट से दे से कि मेरे को 2 करोड़ का रेवेन्यू मुझे जनरेट करना है, राइट? तो रेवेन्यू पर सेल्स लेट से 50 लाख, 50 लाख का रेवेन्यू पर सेल कस्टमर कह रहा है। तो टोटल सेल्स वॉल्यूम यहाँ पे आ गया 4। सेल्स कन्वर्जन कस्टमर कह रहा है कि हमारा 4% है भैया। टोटल लीड्स का कैलकुलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया। लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट मैं यहाँ पे 4% डाल रहा हूँ, राइट? क्योंकि ये आपका अंडरस्टैंडिंग है, एजेंसी आपको कमिट करना पड़ेगा, आपको ही बताना पड़ेगा कस्टमर की सर मिनिमम 4% तो रहेगा ही रहेगा। दैट मीन्स टोटल लैंडिंग पेज विजिटर्स विल बी 2500, जिसपे हर एक लैंडिंग पेज का एक बाउंस रेट भी होता है। देखो मैं थोड़ा और टेक्निकल जा रहा हूँ और थोड़ा सा डीप तरीके से समझने के लिए। लेट से बाउंस रेट इज 40%, सारे के सारे लोग क्लिक करके जो एड के ऊपर आएंगे लैंडिंग पेज के ऊपर वो सारे के सारे एक्चुअल व्यूअर तो नहीं रहेंगे, उसमें से एक बड़ा चंक बाउंस हो जाएगा, राइट? बाउंस हो जाएगा। सो लेट से द बाउंस रेट इज
40%, तो एक्चुअल पेज व्यू जो भी रहेंगे दैट इज 61% मेरा एक्चुअल पेज व्यूअर बन के रहेंगे। तो राइट नाउ मुझे एक्चुअली जितने भी क्लिक्स मेरे व्यूअर्स में कन्वर्ट हुए वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। राइट नाउ कॉस्ट पर क्लिक मुझे डालना है क्योंकि मेरे को ये रिसर्च करके जाना है, उबर सजेस्ट है कि कॉस्ट पर क्लिक क्या पड़ रहा है। लेट्स से द कॉस्ट पर क्लिक इज 50 रुपीज, तो इमिडिएटली द कस्टमर का यहाँ पे टोटल बजट गेट्स कैलकुलेटेड वॉइस एक्सक्लूडिंग द टैक्स। अगर कस्टमर के कंट्री में वैट है, प्रोफेशनल टैक्स है, लेट से जीएसटी है, वट एवर, ठीक है, लेट से 18% जीएसटी है, लेट से, सो आप देख सकते हो टोटल टैक्सेबल अमाउंट इतना रहने वाला है और टोटल बजट है दैट मच। दैट मीन्स हर महीना जब वो 2,41,000 खर्च करेंगे दे कैन एक्चुअली रीच टू अ रेवेन्यू ऑफ 2 करोड़ रुपीज विदाउट फेल। तो मैंने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल नंबर लिया है, आप इसको अपने रियल क्लाइंट के प्रोजेक्ट के साथ टेस्ट करो। कोई क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो उसके साथ ये टूल यूज करना शुरू करो, और कल जब भी आप जाओगे ना अपने सेल्स डिस्कशन में तो ये टूल यूज करके जाओ, कस्टमर के सामने ये टूल का कैलकुलेशंस दिखाओ, प्लस एक कंपेलिंग कनेक्शन भी बिल्ड करने के लिए कोशिश करो। दिस इज वेयर द सेल्स हैपनिंग दिस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन को दी खोल के यूज करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज वी आर द बेस्ट चैनल अंडर द सन दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज इंडस्ट्री। ऑल द बेस्ट गाइस। एंड द गुड न्यूज इज एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है विच इज एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, स्टक हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू। दिस पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम इज फॉर यू। नंबर वन, 4.5 महीने का लाइव क्लास प्रोग्राम। वी डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डेड मटेरियल्स, क्योंकि रिकॉर्डेड मटेरियल्स पे आपका सारा कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है, ये जल्दी से चीजें चेंजेस हो रहे हैं। नंबर टू, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिविजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन NLMS इन एन ऑटो अपग्रेडेबल वे। नंबर थ्री, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप। अगर आप हमारे एडमी में, हमारे लाइफ टाइम मेंटोरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पे इंसेंटिव्स पे जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है। फर्स्ट 2 प्रोजेक्ट्स ऑल्सो यूल बी गेटिंग इट फ्रॉम आवर एंड, राइट। नंबर फोर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग। घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ आर टीम एंड गेट एडवाइजेज एंड कंसल्टिंग, राइट। वी आर जस्ट 1 कॉल अवे, इट ए लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। नंबर फोर, 1-to-1 सपोर्ट कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी। आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर वॉट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी। 13 ईयर्स एक्सपीरियंस टीम, वी आर 13 ईयर्स एक्सपीरियंस टीम पीपल, वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट। हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पर पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज़ का झांसा दे के कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट। 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड। आप देख सकते हो एडमी ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए। आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल। बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है। इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर। एंड प्लीज रिमेंबर, दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं। योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर। अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर, डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है। यू नो आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल वेरी प्रोफेशनली हेल्प यू एंड विल गाइड यू हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ लर्निंग विथ मी डायरेक्टली। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू सून इन माई लाइव सेशन। द नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग सून।